नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान मॉडल की देश भर में हो रही सराहना। मुख्यमंत्री ने कहा, पेंशन सहित सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए देश भर में बने पॉलिसी। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत 50,000 महिला कृषि श्रमिकों को किया जा रहा प्रशिक्षित। 1 दिसंबर से 15 जनवरी तक पंचायत स्तर पर लगेंगे शिविर। ऊर्जा संरक्षण और बचत के लिए राजस्थान को दूसरी बार मिला राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए राजस्थान ने फिर मारी बाजी। राजस्थान देश में मॉडल स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया है। प्रदेश में लगभग 1 करोड़ लोगों को विभिन्न सामाजिक पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। सवाई माधोपुर जिले के टोंड गांव में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की तर्ज पर देश भर में पेंशन सहित सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए पॉलिसी बननी चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। आप बुजुर्गों के लिए जितने लेबर भी आता है, मजदूर भी जो बेचारा काम करता है, जब सही साथ देना बंद कर देता बुढ़ापे के अंदर, बाद में काम नहीं कर सकता, वो भी उसमें आएगा। विधवाएं आएगी, निःसहायजन आएंगे, तमाम लोगों को भारत सरकार को चाहिए पूरे देश में पॉलिसी बने। एक सी कम से कम 2,000, 3,000, 5,000 जो भी दे सको एक पॉलिसी के अंतर्गत फैसला करें, जिससे कि आदमी अभी 500 रुपये में देते हैं, 750 देते हैं, 80 साल का हो तो 1500 देते हैं। ये सिस्टम सोशल सिक्योरिटी के दुनिया के मुल्कों में है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार राजस्थान के कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत भूमिहीन कृषि श्रमिकों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए राज्य में 1 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे न केवल कृषि में महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में भी उनका योगदान बढ़ेगा। 352 पंचायत समितियों से 50,000 भूमिहीन श्रमिक प्रशिक्षित होंगे। आज हमें कृषि विभाग राजस्थान से कुछ सर आए यहाँ पर, किस चीज़ के बारे में बताया वो हमें सब जानकारी मिली। जैसे हम किसी के यहाँ पर मजदूरी जाते हैं और हमें कोई चीज़ की जानकारी नहीं, वैसे वो जानकारी दी, जैसे फल तोड़ना, ननाड़ी करना। ऊर्जा संरक्षण और बचत के लिए राजस्थान को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है। राजस्थान को उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के लिए चुना गया है। इस उपलब्धि के लिए प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग श्री भास्कर ए सावंत ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की टीम को बधाई दी। उन्होंने बताया कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना विभाग की प्राथमिकता है। ये पुरस्कार भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा हर साल उद्योग, भवन, म्युनिसिपल, यातायात, कृषि, विद्युत प्रसारण और क्रॉस सेक्टर क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसियों को दिया जाता है। देखिए, ऊर्जा की बचत भी ऊर्जा का उत्पादन है और आज पूरे देश में, पूरे दुनिया में ऊर्जा की बचत की तरफ हम सब लोग ध्यान दे रहे हैं। हमारे प्रदेश में भी ऊर्जा की बचत के लिए सरकार के द्वारा, हमारे विभाग के द्वारा समय समय पर हम प्रयास करते रहते हैं। उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने आमजन से हैंडलूम उत्पादकों और परिधानों को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अपनों द्वारा अपनों के लिए बनाए उत्पादों के इस्तेमाल से पारंपरिक हस्तकलाओं को बचाया जा सकेगा। श्रीमती रावत ने बुधवार को राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के हथखरगा भवन चौमू हाउस सी स्कीम स्थित परिसर में 5 दिन के हैंडलूम प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि दस्तकारों द्वारा शुद्ध प्राकृतिक रंगों और धागों के जरिए वस्त्र बनाए जा रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी फायदेमंद है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।